नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली की कैराना तहसील में डीएम व एसपी ने जन समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर संतोषजनक निस्तारण होना चाहिए, इसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंगलवार को तहसील कैराना के सभागार में जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें। शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से संतोषजनक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी ने अधीनस्थ अधिकारी को फरियादों की शिकायतों को तत्काल गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 48 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 6 शिकायती पत्रों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, जबकि शेष शिकायती पत्रों को संबंधित विभागीय अधिकारी को प्रेषित करते हुए उनके यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं।